यूपी के कन्नौज जिले में स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से जिले में फर्जी नर्सिंग होम और पैथोलॉजी का गोरख धंधा करने वाले दबंग मासूम गरीब लोगों की जान से जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी ताज़ा तस्वीर इंदरगढ़ थाना इलाके स्थित अपना हॉस्पिटल में देखने को मिली। यहां स्वास्थ्य विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन कराए फर्जी तरीके से अपना अस्पताल संचालक दबंग सुरजीत कुशवाहा मरीजों का इलाज कर रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर खुली अपनी पैथोलॉजी का भी स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, बावजूद लोगों की गलत जाँचें की जा रही हैं। मामले का कवरेज करने पहुंची मीडिया टीम ने जब हॉस्पिटल का वीडियो बनाना शुरू किया तो दबंग अस्पताल संचालक सुरजीत कुशवाहा ने मीडिया के लोगों पर हमला बोल दिया, पहले कवरेज करने से रोका और फिर कैमरा छीनने की कोशिश की। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कलसान गांव निवासी मानसिंह की मौत हो गई। अपना हॉस्पिटल संचालक ने मृतक मानसिंह के नॉर्मल बुखार को डेंगू दिखा दिया था। पीड़ित परिजनों ने बताया कि मानसिंह की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, पहले उसे बेला में भर्ती कराया, आराम ना मिलने पर उसे इंदरगढ़ थाना इलाके स्थित अपना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कुछ घंटों मानसिंह की मौत के बाद उनके परिजनों ने मानसिंह की डेंगू की जाँच वाली जाँच रिपोर्ट मांगी जो अपना पैथोलॉजी लैब और वैष्णवी पैथोलॉजी में कराई थी, उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मामला जब मीडिया में आया तो जिले का स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा और आनन फानन में अपना हॉस्पिटल जाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान अपना हॉस्पिटल के अंदर अपना पैथोलॉजी लैब अधिकारियों को संचालित मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए लैब को सील कर दिया गया, लेकिन मिलीभगत होने के कारण अपना हॉस्पिटल को सील नहीं किया गया। जाँच अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब अस्पताल पर कार्रवाई न करने के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने नो कमेंट्स कहकर बात टाल दी। वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी के बयानों में फर्क नजर आया। एक तरफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब को सील कर उस पर मुकदमा कराया जाएगा, तो दूसरी तरफ डीएम राकेश कुमार मिश्रा का कहना था कि फर्जी अस्पताल को सील कर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन हकीकत में यह है कि अस्पताल को सील ना करके सिर्फ पैथोलॉजी को सील किया गया है और ना ही हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कोई भी मुकदमा लिखा गया है। नहीं, आप बताइए, ये अपना हॉस्पिटल के ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था और वहां पर इलाज के बाद एक मरीज की मौत भी हो गई, उसके परिवार वालों ने बताया भी कि वो भर्ती था। क्या जांच में मिला आपको? नो कमेंट। सीएमओ मिला है? सीएमओ साहब बताएंगे। जांच में कुछ नहीं मिला आपको? हम भाई को देने के लिए अधिकृत नहीं। अच्छा, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन ऐसे में रजिस्ट्रेशन उसका हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये तो सीएमओ साहब का जो आदेश होगा उस हिसाब से। अभी हमने बताया कि नियमानुसार होगा, वैसे ही होगा। एफआईआर उस पर होगी नहीं होगी पैथोलॉजी वाले पे? हाँ बिल्कुल होगी। है क्या मिला पैथोलॉजी में आपको? एक प्रकरण आया, एक मरीज की मौत हुई है, उसके भाई का ही कहना है कि अपना हॉस्पिटल में इलाज कराया था, जो पैथोलॉजी है उसमें कहीं डॉक्टर्स का नाम नहीं है, थोड़ा सा क्या मामला था और क्या कार्रवाई की गई है? जैसा कि जानकारी हुई है कि वो हॉस्पिटल नहीं है, कोई उस पर रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ किसी तरह का नहीं है, ना ही उस पैथोलॉजी रजिस्टर्ड है, ना ही हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, और वो कैसे इसका इलाज कर रहा था ये अभी हमने अपनी टीम भेजी है और वो जाकर के देखेंगे। अगर इस तरीके का कोई प्रकरण वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है तो उसको सील कराया जाएगा और उसके विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी, क्योंकि जिस मरीज को उसने केवल प्लेटलेट कम होने की वजह से डेंगू बताया है, जबकि उसका जो किट से भी टेस्ट हुआ है उसमें भी डेंगू निगेटिव है, तो इस तरीके से उसने हॉस्पिटल को भी रेफर नहीं किया और पेशेंट को वहाँ पर ट्रीट किया है। जैसी अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है तो उसमें जो है वो कार्रवाई के लिए हमने कह दिया है। और डिम्पल नाम है, कल शाम देखा। अच्छा, क्या हुआ था कल? आपने भर्ती कराने का थे आपको मानसिंह को? जी, उसको एडमिट किया, फिर वो हमको बोला कि कोई है कोई क्या बड़ा कोई, तो हम वहाँ पे गए, उसने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के बाद वो उसको नर्स को बताने लगा कि ये इंजेक्शन लगाओ, तब उसको इंजेक्शन लगाए लेकिन आराम कुछ नहीं थी तब उस टाइम। फिर हम वहीं पे बने रहे, फिर वो अपना कुछ बताते रहे इंजेक्शन लगाने के लिए, तो उसके बाद एडमिट करके हम लोग वहाँ खड़े रहे, फिर उसके बाद चले आए हम लोग। फिर शाम को हमने उनसे कहा भी था कि यहाँ मत एडमिट करवाओ, तो उन्होंने अब इन लोगों ने माना नहीं। फिर उसके बाद फिर हम तो ऐसा क्यों कहा आपने वहाँ पर? है ऐसा क्यों कहा आपको, क्या लगा? क्योंकि मुझे कोई डॉक्टर तो दिखाई नहीं पता था, वो सब नर्स थे और वो कंपाउंडर थे, डॉक्टर तो कोई था ही नहीं। ये इनको 5-6 दिन से बुखार आ रहा था और इन्होंने यहाँ पे अपनी वैसी दवा कराते रहे, इसके बाद परसों लेके गए हैं बेला हॉस्पिटल में,
इलाज कराते रहे, तो उन्होंने कल डिस्चार्ज कर दिया था। फिर उन्होंने यहाँ अपना हॉस्पिटल है एक मरहला कलसान के पास में ही, अपना हॉस्पिटल में इलाज कराया, तो उन्होंने कल शाम को डिस्चार्ज करके कहा घर ले जाइए। इसके बाद ये लोग घर लिए चले आए, घर ले आए तो रात में इनकी तबीयत बिगड़ी और एक घंटे में इनका मृत्यु हो गई। जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है क्या? हाँ, जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। सर, इंद्रगढ़ में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अस्पताल व पैथोलॉजी जो स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड भी नहीं है सर, वहाँ कल एक मरीज का इलाज किया गया उसके जिसकी आज मौत हो गई है, ऐसे संचालक पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? ये प्रकरण संज्ञान में आया था, इस पर सीएमओ साहब ने उस अस्पताल को सील करा करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इस प्रकरण में गंभीर कार्रवाई जो संचालक हैं उनके खिलाफ की जाएगी। हमारा नाम है जसवंत सिंह। क्या घटना हुई है? उनको बेला अस्पताल में ले गए, वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया, फिर वहाँ से लेके आए और अपना हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया, फिर वहाँ से छुट्टी करा के घर आ गए, फिर यहाँ इनकी हालत ख़राब हुई। जांच कहाँ करवाई?